लास्ट क्लास में हम एक्टिव पैसिव में देख रहे थे, टू सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। आज ही खत्म हो जाएगा ममता, जरा पढ़ लीजिए, आज ही खत्म हो जाएगा। टू सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि जहां पर दो सब्जेक्ट होते हैं तो हम पैसिव में दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी टू सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका दोनों में से हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि जब भी दोनों में से एक पैसिव बनेगा तो उसमें टू का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। आप देखेंगे जनरली, जनरली मैंने बोला जनरली, आप देखेंगे जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो उसी उसमें से सॉरी जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव सेंटेंस में, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रही हूँ, जब एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें पैसिव में किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, राइट? तो इट मींस कि वहां पे दो पैसिव वॉइस होंगे। जैसे कि ये गिवन सेंटेंस था, ये गिवन सेंटेंस था, तो हमने इसका पैसिव वॉइस देखा था, ये आपका पहला आंसर था, और फिर हमने इसका पैसिव वॉइस देखा था, ये आपका दूसरा आंसर था। दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे आप देख रहे थे द फार्मर गेव्स द काउस सम हे एंड ओट्स, तो एक ऑब्जेक्ट था द काउस और दूसरा ऑब्जेक्ट था सम हे एंड ओट्स, राइट? तो द काउ को लेकर बनाया गया पैसिव सेंटेंस था, द काउज वर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर, पहला आंसर, राइट? और हे एंड ओट्स को जब हमने और सब इस ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू आया था। क्या आया था? टू आया था, राइट? तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है जहाँ दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही टीचर्स मी हिंदी, मी है और हिंदी दो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप मी को भी सब्जेक्ट के तौर पे ले जा सकते हो, हिंदी को भी सब्जेक्ट के तौर पर ले जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा जब आप हिंदी को सब्जेक्ट के तौर पे ले गए तो यहाँ पर क्या आ रहा है? टू आ रहा है। आज इस चीज़ की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम यहाँ पर इस चीज़ की भी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो एक्टिव सेंटेंस में, यहाँ पर देखो डियर, ये जो 12 था इसी को मैंने रूल 11 करवा दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था ये जो रूल 12 था इसी को रूल 11 कर लीजिए, ये जो रूल 12 था इसी को रूल 11 कर लीजिए, राइट? क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसको रूल 12 कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, पहले एग्जाम्पल देखना फिर ये ऊपर जो लिखा है मैं समझाऊंगी, सबसे पहले एग्जाम्पल देखना फिर जो ऊपर लिखा है वो मैं समझाऊंगी, पहले एग्जाम्पल देखना, राइट? आई थिंक मेरी वॉइस सबको सुनाई दे रही है। पहला एग्जाम्पल देखना, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, राइट? सार्थक, रूल 11 इसी को बोला है मैंने, ये आपने लास्ट क्लास में नोट कर लिया होगा, जहां पे टू ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं आप दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, और जब आप एक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जनरली वहां पैसिव वॉइस में टू आएगा, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। आई होप सबने रूल नंबर 11 टू ऑब्जेक्ट्स वाला जो है, टू ऑब्जेक्ट्स वाला रूल नंबर 11 नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी अश्विनी, रूल नंबर 11 का सारा दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी नोट डाउन करवाया था। आशुति आ रही हूँ, एक मिनट, रूल नंबर 11 लोग नोट कर लें, रूल नंबर 11 हो गया, गिवन स्लाइड आपकी नोट डाउन हो गई है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं मैं, प्लीज? हाँ जी अश्विनी, वो भी नोट करना है, ओके हो गई है। चलिए अब रूल नंबर 12 ये पूरा नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको मिलता भी नहीं है बुक्स में, तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए, मैं नोटिंग का टाइम दूंगी, राइट? पूरा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, एग्जाम्पल देख रहे हो, राइट? हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी,
आपको पता है हर बिहेवियर क्या है, सब्जेक्ट है। डिसअपॉइंटेड मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस देख के आपको समझ में आ रहा है हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, राइट। सार्थक गोइंग टू वाला भी मैं अलग से लिखाऊंगी, मैंने वो स्लाइड ही नहीं आपके सामने ओपन की थी। सार्थक गोइंग टू अभी मैं अलग से बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट, राइट। तो अब सुनिए, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। अब मी को आपने सब्जेक्ट बनाया, आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, मी को हमने क्या लिखा, आए। सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया, वॉज। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हर बिहेवियर नहीं लगाया, गौर करिएगा। हमने यहाँ जो है, हमने यहाँ जो है बाय हर बिहेवियर नहीं लगाया, राइट। हमने यहाँ पे क्या लगाया, हाजी खुशी जो आप कह रही हैं वही मैं जो है वही मैं बता रही हूँ, आप यहाँ पे गौर करिए, बाय हर बिहेवियर नहीं लगाया, क्या लगाया, एट हर बिहेवियर। अब आप खुद बताओ, आप जनरली इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, और दूसरा आप पढ़ो आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हर बिहेवियर, कौन सा आपको सही लग रहा है, एट हर बिहेवियर ज़्यादा सही लग रहा है। कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, आपने जितनी इंग्लिश पढ़ी है CBSE ICSE बोर्ड में, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ के आपको एक आइडिया लग जाता है सेंटेंस को पढ़ने में कि हाँ जी ये गलत सा लग रहा है। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, एट आएगा, ठीक है। एट का यूज हम कब करेंगे, कब हम बाय नहीं लगाएंगे, एट का यूज हम कब करेंगे, एट प्रिपोजिशन का यूज हम कब करेंगे, कब हम बाय नहीं लगाएंगे, राइट। अगर वर्ब जो है, वर्ब क्या है, अगर आपका वर्ब है शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, राइट, तो आप बाय मत ही लगाइए, आप किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, आप एट प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, ठीक है, इन सब का यूज हो रहा है, तो आप वहां पर ये सब वर्ब आ रहे हैं तो उसके बाद आप बाय नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। आप बाय नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, राइट, ठीक है। ये चीज समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो एस्टोनिश्ड का मतलब होता है डियर, एस्टोनिश्ड का मतलब आप देखेंगे तो एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आप देखेंगे कि एकदम से सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज और एस्टोनिश्ड एक ही होता है, सरप्राइज और एस्टोनिश्ड एक ही होता है, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, राइट। सरप्राइज और एस्टोनिश्ड का मतलब एक ही होता है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, दिस जॉब इंटरेस्ट मी, राइट, दिस जॉब इंटरेस्ट मी, इस जॉब का मुझे में इंटरेस्ट है, राइट। आई वॉज इंटरेस्टेड, अब आप ये तो लिखेंगे नहीं आई वॉज इंटरेस्टेड बाय दिस जॉब, आप ये तो लिखेंगे नहीं आई वॉज इंटरेस्टेड बाय दिस जॉब, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, क्या लग गया, इन लग गया, समझ में आ रही है बात, क्या लगा प्रिपोजिशन में, आपके प्रिपोजिशन में लगा इन लग गया, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह आप बाय का यूज करें, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आप बाय का यूज करें। तो यहां पर मैम एट ही आएगा, नहीं कि यहाँ पे एट ही ज्यादा बेटर होगा पूजा, तो मैंने ये वर्ब की लिस्ट बना दी, अगर शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, अलार्म्ड है, राइट, डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, तो आप किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, एट, राइट। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में अगर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन, आपको पता है कोई भी किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है, तो इंटरेस्टेड के बाद क्या लगा, इन। कंसिस्टेड इन, कंसिस्टेड मतलब इकट्ठा करना, तो किसी चीज में आप कंसिस्टेड होगा ना। कंटेन इन, कंटेन का मतलब भी होता है किसी चीज में इकट्ठा करना, तो किसी चीज में होगा,
तो यहाँ पे अगर कंसिस्टेड है, कंटेन्ड है, इंटरेस्टेड है, तो वहां पर इन वर्ब्स के बाद आपका क्या लगेगा? इन लगेगा। ऐसे ही प्लीज्ड, प्लीज्ड माने आपको होता है खुश होना, डिस्गस्ट ठीक है चिढ़ना, इम्प्रेस्ड इम्प्रेस होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, तो आप किसी चीज के साथ खुश होते हैं ठीक है, इम्प्रेस्ड होते हैं ठीक है। तो इम्प्रेस्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिस्गस्ट विद, प्लीज्ड विद, तो यहाँ पे अगर ये सब वर्ब है ठीक है, तो उसके साथ बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा? विद लगेगा। तो अब्लाइज टू, नोन टू, आपको पता है नोन के बाद आपने अक्सर देखा होगा नोन टू, अब्लाइज टू, तो इनके बाद भी बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टू लगेगा। तो ये लिस्ट लिख लीजिए, तो अगर ये सब वर्ब आते हैं कभी, तो आप उनके बाद जो प्रिपोजिशन यूज कर रहे हैं वो प्रिपोजिशन का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उन प्रपोजिशन का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। प्लीज इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हाँ जी, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज एटीट्यूड, बिल्कुल सही पैसिव में आपने सेंटेंस बनाया है वंश, वही मैं आपको बता रही हूँ कि इम्प्रेस्ड अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा? विद। अश्विनी कंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कंटेंड होता है ना, कंटेंड आप कह लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ कंटेनर में रखी जा रही है, तो कंटेनर और कंटेंट एक ही वर्ड से बने, इसका रूट वर्ड एक ही है। और कंसिस्टेंट मीन्स भी वही होता है, इकट्ठा करना आप कह सकते हैं। आप कह लीजिए मतलब कि कंसिस्टेंट, किसी चीज़ में इंक्लूड करना आप बोल सकते हैं, किसी चीज़ में इंक्लूड करना, या सपोज कोई चीज किसी चीज से बनी होती है तो भी वहां पे हम कंसिस्टेंट का यूज करते हैं। हो गया, ओके। चलिए अब आगे हम देख रहे हैं, इसका बस आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका बस एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऊपर का नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 13, पूजा गोयल, यहाँ पे सेकंड में ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, या आप राइट बोल रहे हो, राइट बोल रहे हो। दिस जॉब, नहीं आपने रूल सही बोला, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, सब लोग करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, टाइपिंग मिस्टेक है डियर। यहाँ पे होगा आई एम, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आई एम होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, वॉज नहीं लगेगा आई के बाद, यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, यहाँ पे एम होगा। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। हाँ जी बिल्कुल सही, हर हैंड बैग कंटेन्ड, हर हैंड बैग वॉज, यहाँ पे शगुन सेंटेंस होगा, हर हैंड बैग वॉज कंटेन्ड विद मैनी आइटम्स, पैसिव में सेंटेंस सही बनेगा, हर हैंड बैग वॉज कंटेन्ड विद मैनी आइटम्स, शगुन वॉज लगेगा। पूजा बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब होगा क्योंकि ऊपर एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है, सबने कर लिया? ओके। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए रूल नंबर 13, रूल नंबर 13, केवल एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल में ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है, एक्टिव में देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर से शुरू हुआ है, तो उसका अगर पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, आप यहाँ पे कर दीजिए देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड। तो आप देख रहे हैं कि टू के आगे क्या लग गया, बी लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। अच्छा सेम थिंग एक और आपको बता रही हूँ, इसको आप रूल नंबर 14 लिख सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में गोइंग टू आया है, जैसे यहां पे आया गोइंग टू वॉच, जैसे आप कह सकते हैं वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, गोइंग टू आया है ठीक है, गोइंग टू के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में, किसमें? एक्टिव सेंटेंस में गोइंग टू के बाद वर्ब आ रहा है, गोइंग टू के बाद वर्ब आ रहा है, तो हम पैसिव में क्या करेंगे? गोइंग टू
बी वॉज्ड, राइट, बी लगा देंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बिल्कुल जैसा भी यहाँ पे किया कि टू वेस्ट आ रहा था, टू वेस्ट आ रहा था, तो हमने पैसिव में क्या करा, टू बी वेस्टेड, क्या लिख दिया, टू बी वेस्टेड, राइट। तो अगर किसी सेंटेंस में गोइंग टू वॉच, मतलब कि गोइंग टू के बाद कोई वर्ब आ रहा है एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव में आप क्या कर दोगे, गोइंग टू बी वॉज्ड, आप क्या कर दोगे, गोइंग टू बी वॉज्ड, यानी कि आप जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है लगा दोगे, राइट। तो रूल नंबर 14 का एग्जाम्पल देखिए, रूल नंबर 14 का एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, एग्जाम्पल ठीक है, देखिएगा। सपोज हम कह रहे हैं वी आर गोइंग टू वॉच, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, राइट। ये एक्टिव में है, ये किस में है, एक्टिव में है, एक्टिव सेंटेंस में है, राइट। तो यहाँ पे पैसिव होगा मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस, ये हो जाएगा हमारा पैसिव, राइट। ये एग्जाम्पल हो गया, हाँ जी, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस, बिल्कुल सही, राइट राइट। हिताशी, गायत्री क्या चीज छूटी बेटा, गायत्री क्या छूटा है आपका, डियर मैं यहाँ पे ये बता रही थी, रूल नंबर 13 में, रूल नंबर 13 में देयर की बात की गई है, अगर देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके आगे कोई वर्ब टू के बाद लगा रहता है, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, तो उसको पैसिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे एज इट इज लिख देंगे सेंटेंस, बस टू के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। भाविक, रूल नंबर 13 और 14 इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि 14 में गोइंग टू की बात हो रही है, कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आपके गोइंग टू से बने रहते हैं, राइट, इसलिए मैंने इसको रूल नंबर 14 में अलग कर दिया है। भाविक, मिलता जुलता है इसलिए साथ में लिखवा दिया है, मिलते जुलते हैं दोनों इसलिए साथ में लिखवा दिए, रूल नंबर 13 देयर की बात कर रहा है और रूल नंबर 14 जो है गोइंग टू की बात कर रहा है। पुष्प्रीत क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, गायत्री आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज लिख के एक्नॉलेज करो। पुष्प्रीत मैम, द सेंटेंसेस विच डू नॉट कंटेन अ मेन वर्ब कांड, पुष्पी अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी निशा, बिल्कुल आप सही कह रही है, इसमें दो वर्ब है, एक गोइंग है और एक वॉच है, तो गोइंग के साथ अगर टू लग के कुछ आ जाता है, गोइंग के साथ अगर टू लग के वर्ब आ जाता है तो उसका पैसिव यही होगा कि आप उसको गोइंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें, बिल्कुल सही पहचाना निशा ने, निशा कह रही है रूल नंबर 14 में गोइंग भी है और एक दूसरा वर्ब वॉच भी है, तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर गोइंग टू के साथ कोई वर्ब आ जाता है तो उसका पैसिव बनेगा गोइंग टू बी वॉज्ड, राइट, गोइंग टू बी वॉज्ड। ओके गायत्री, थैंक यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक्सरसाइजेस हो गई हैं सारी, ये सॉरी सारी स्लाइड्स हो गई हैं, एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, सारी स्लाइड्स हो गई हैं, अब एक्सरसाइजेस करने हम जा रहे हैं, राइट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट हो गया है सबका, ठीक है। अब आ जाइए एक्टिव में, एक सेंटेंस शगुन ने दिया है, आई एम गोइंग टू विजिट अ टेम्पल, अ टेम्पल इज गोइंग टू बी विजिटेड बाय मी, बिल्कुल सही शगुन, बिल्कुल सही, राइट। अब देखो स्क्रीन पे इसको पढ़ो, पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ो स्क्रीन पे, राइट, पूरा आप जब पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देखो इसमें बहुत जगह पैसिव का यूज है, पैसिव वॉइस का यूज है। देखो यहाँ पे द अकेडमी अवार्ड्स आर गिवेन, पैसिव दिख रहा है, द अकेडमी अवार्ड्स आर गिवेन आउट एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ मूवी एक्टर डायरेक्टर्स एंड अदर्स हु आर पार्ट ऑफ द मूवी मेकिंग इंडस्ट्री, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, राइट, पहचानना है आपको। दीज अवार्ड्स कॉल्ड ऑस्कर्स आर प्रेजेंटेड, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा है, आर प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल सेरेमनी इन हॉलीवुड, पूरा पैसिव वॉइस में, ठीक है। सेवरल पीपल आर नॉमिनेटेड
ये भी पैसिव वॉइस में। फिर नीचे आइए जो हम बोल्ड में लिखा है, वन नॉमिनी इज चूजन, ये भी आपका क्या है, पैसिव वॉइस में है, राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखिए, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, 15 अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एंड द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय ओनली 250 पीपल, ये भी पैसिव वॉइस में है, ठीक है। इसके बाद देखिए, टुडे अबाउट 24 ऑस्कर्स आर प्रेजेंटेड, पैसिव वॉइस में है। टिकट्स आर नो लॉन्गर सोल्ड, पैसिव वॉइस में है। इन्विटेशंस आर सेंड ओनली टू द पीपल, अब क्या सब जगह पैसिव वॉइस में बाय लगा है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कई सारे बच्चे बस ये समझते हैं कि जहाँ पे बाय दिख गया सेंटेंस में वही पैसिव वॉइस होता है, ऐसा नहीं है। हर जगह आपको बाय नहीं दिखेगा, आपको वर्ब से पहचानना पड़ेगा। आर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, यहाँ पे लिखिए, टिकट्स आर नो लॉन्गर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, इन्विटेशंस आर सेंड ओनली टू द पीपल, क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। Until 1941, the winner's name were already known. Passive voice है. Before the ceremony and published in newspaper. Passive voice है. Now the winner's name are placed. Right, passive voice है. The envelopes are not opened. Passive voice है. Oscar night has been televised and broadcast. Passive voice है. राइट, द शोन इज सीन बाय हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, पैसिव वॉइस है। पूरा पैराग्राफ यहाँ पे जितना जो आर्टिकल लिखा है वो किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पैसिव वॉइस में ड्राफ्ट की जाती हैं, वहाँ पे सेंस अलग हो जाता है। चलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरा फास्ट वे में करिएगा, राइट। इसके अलावा एक्सरसाइज विद आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा काम यह है कि हमें सेंटेंसेस पहचानने हैं कि वो एक्टिव में गिवन है कि पैसिव में गिवन है। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस पहचानने हैं कि वो एक्टिव में गिवन है कि पैसिव में गिवन है। फास्ट वे में करिएगा, राइट। पहला सेंटेंस, द एक्ट्रेस वोर अ ब्यूटीफुल गाउन, एक्टिव है पैसिव है, लिखते जाइए। वन ए, एक्टिव के लिए ए लिखिएगा, पैसिव के लिए टी लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखिए, द एक्ट्रेस रिसीव्ड एन ऑस्कर, एग्जाम्पल में लिखेगा द एक्ट्रेस रिसीव्ड एन ऑस्कर, क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव है। एक्टिव में भी हमने देखा क्या है, टेंस भी बताते चलिएगा। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। नंबर लिख दीजिएगा, सार्थक, श्रुति, जितने भी लोग लिख रहे हैं सब नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपने एग्जांपल में देखा, द एक्ट्रेस वॉज गिवन एन ऑस्कर, क्या है, ये आपका पैसिव में है, किसमें है, पैसिव में है, राइट। तो पहला वाला, वन वाला जो है वो आपका एक्टिव है, राइट। सेकंड का भी आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है, मनीषा बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलेबेरी प्रेजेंटेड एन ऑस्कर, हेलेबेरी ने ऑस्कर प्रेजेंट किया था, एक्टिव में है। पहले का मीनिंग है, द एक्ट्रेस वोर अ ब्यूटीफुल गाउन, एक्ट्रेस ने एक ब्यूटीफुल गाउन पहना था। नेक्स्ट देखो, थर्ड देखो, थर्ड आपका किसमें है, हेलेबेरी हैज बीन सीन इन मैनी मूवीज, थर्ड है पैसिव में, गुड। हितैषी, मनकरण सबने राइट आंसर दिया है, ठीक है। तो थर्ड वन आपका क्या है, पैसिव है, ठीक है। हेलेबेरी ने जो है, हेलेबेरी को बहुत सारी मूवीज में देखा जा चुका है, देखा जा चुका है, पैसिव में। ट्रांसलेशन सुनिएगा कि एक्टिव और पैसिव में कितना मतलब डिफरेंस होता है ट्रांसलेशन में। द डायरेक्टर हैज बीन नॉमिनेटेड मैनी टाइम्स, इस डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जा चुका है, इस डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जा चुका है। खुशबू वावे बिल्कुल सही हो फोर्थ में, ठीक है। इस डायरेक्टर को नॉमिनेटेड किया जा चुका है, राइट, हैज बीन नॉमिनेटेड। इसको आप ये नहीं पढ़ोगे कि इस डायरेक्टर ने नॉमिनेट किया है, ये नहीं बोलोगे, ठीक है। डायरेक्टर नॉमिनेट कर चुका है, ये नहीं बोलोगे, इस डायरेक्टर को नॉमिनेटेड किया जा चुका है। बहुत बार इस डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है उसको नॉमिनेटेड किया जा चुका है, ये डिफरेंस रहता है।
ओल्ड मूवीज वर फिल्म इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओल्ड मूवीज को जो है फिल्माया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्माया जाता था। तो यहाँ पर जो फिफ्थ है वो भी आपका क्या है, पैसिव है। आप देख रहे हो वर्ब के साथ, पहचान आपकी क्या हुई, वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होता है। मैनी एक्टर्स लिव इन कैलिफोर्निया, एक्टिव है, बहुत सारे एक्टर्स कैलिफोर्निया में रहते हैं, एक्टिव है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैनी मूवीज आर मेड इन हॉलीवुड, बहुत सारी मूवी हॉलीवुड में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सेवन आपका क्या है, पैसिव है। पैसिव है आर के साथ आप क्या देख रहे हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे पैसिव है, राइट। एट पे आ जाओ, एट हम देख रहे हैं, द नेम्स ऑफ विनर्स विल बी प्रिंटेड, विल बी प्रिंटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है। द नेम्स ऑफ विनर्स विल बी प्रिंटेड इन टुमोरोज न्यूज़पेपर। ठीक है, जो विनर्स होंगे उनका कल के न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा, उनका नेम जो है कल के न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा, राइट। तो ये भी आपका क्या है, एट्थ भी आपका क्या है, पैसिव है, राइट। द एक्ट्रेस थैंक्ड ऑल द पीपल हु हेल्प्ड हर विन, एक्ट्रेस ने उन सब लोगों को थैंक यू किया था, धन्यवाद दिया था जिसने उसकी हेल्प की थी जीतने में। एक्टिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। नाइन्थ आप देख रहे हो, सिंपल पास्ट का एक्टिव सेंटेंस है। द एक्ट्रेस वॉज ड्राइविन बाय टू सेरेमनी इन अ वाइट वाइट लिमोसिन, राइट। तो यहाँ पे ये जो है वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पैसिव है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, राइट। इलेवेंथ, हॉलीवुड वॉज बिल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। इलेवेंथ, इलेवेंथ क्या है, इलेवेंथ भी पैसिव है, गुड 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 आचल, आचल ने बिल्कुल सही कहा, इलेवेंथ भी यहाँ पे क्या है, पैसिव है। हॉलीवुड जो है वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग बिगनिंग में जो है बनाया गया था। हॉलीवुड हैज़ बिकम द मूवी कैपिटल ऑफ द यूएस, हैज़ के साथ बीन नहीं लगा, यानी कि ये नॉर्मल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और एक्टिव सेंटेंस है, राइट। तो 12 आपका श्रुति गलत, 12th आपका एक्टिव है, 12 बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया है, 12 का शगुन ने भी गलत बोला है, 12 जो है वो एक्टिव हैज बीन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, हॉलीवुड हैज बिकम द मूवी कैपिटल ऑफ द यूएस, हॉलीवुड जो है यूएस का मूवी कैपिटल बन चुका है। तो 12th एक्टिव है वंश, 12th पैसिव नहीं है, 12th क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। तो आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, भाविक पूछ रहे हैं। सेवेंथ, सेवेंथ डियर आपका पैसिव वॉइस है, सेवेंथ डियर पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। सेवेंथ आपका पैसिव वॉइस है, राइट। फोर्थ, अश्विनी फोर्थ पूछ रहे हैं, डियर फोर्थ में हैज बीन लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, राइट। फोर्थ आपका बीन लगा हुआ है। हीना, 12th अभी मैंने बताया एक्टिव है, हीना गलत बोल रहे हो, 12th में हैज के साथ बीन नहीं लगा हुआ है डियर, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। अश्विनी फोर्थ मैंने आपको बता दिया है डियर, फोर्थ में हैज के साथ बीन लगा हुआ है, यानी कि पैसिव है, पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अश्विनी ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा बीन लगा हुआ हैज के रूल याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते थे तो हम बीन लगा देते थे, और यहाँ पे मीनिंग है कि डायरेक्टर को बहुत बार नॉमिनेटेड किया जा चुका है, डायरेक्टर को बहुत ही बहुत बार जो है नॉमिनेटेड किया जा चुका है। डियर ये एक प्लेस का नाम है, निशा प्लेस का नाम है, व्हाइट लमसिन ये प्लेस का नाम है।
राइट खुशी। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का ही, अब की बार आपका काम क्या है ध्यान से देखिएगा, अब की बार आपका काम क्या है, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर आपको बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट में गिव का यूज करना है, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स को आपको पैसिव वॉइस में बढ़ना है। पहली बात याद रखिएगा, हर एक सेंटेंस आपका कौन सा है, पैसिव वॉइस का है। अश्विनी वहां पे फोर्थ का एक्टिव नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अश्विनी कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस का डायरेक्टर हैज बीन नॉमिनेटेड मैनी टाइम्स, यहाँ पे डियर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो हम इसको पैसिव से एक्टिव में नहीं कर सकते हैं। राइट प्राची एट्थ बता दो, डियर यहाँ विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए ये आपको पता लगा, ये आपका क्या है पैसिव है, एट्थ में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है। इज सीन निशा फिफ्थ, फिफ्थ डियर पैसिव ही होगा क्योंकि वर्ब के साथ फिल्म्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब के साथ, तो सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। समझ रहे हो पुष्पीत, क्लियर है? ठीक है अभी रुक जाओ, अभी आंसर्स मत भेजो, लोगों को पुरानी वाली स्लाइड में प्रॉब्लम है, रुक जाओ एक मिनट। निशा आप क्या पूछ रही हो समझ में नहीं आया, किस सेंटेंस में है डियर, नोन किस सेंटेंस में है, देखो तो लिखना क्या है वहां पे, अगर किसी को जानने की बात आ रही है तब हम नोन टू लगाते हैं ना। पुष्पीत फिफ्थ वाला दोबारा बता दो, डियर ओल्ड मूवीज वर फिल्म्ड, ओल्ड मूवीज को ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्माया गया था, मुझे ये बताओ ओल्ड मूवीज फिल्म्ड अगर लिख देते तो मीनिंग ये हो जाता कि ओल्ड मूवीज ने फिल्माया था, ओल्ड मूवीज थोड़िया कुछ करेंगे, ओल्ड मूवीज को फिल्माया गया था, पैसिव में ये डिफरेंस होता है। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी मूवीज थी उनको फिल्माया गया था ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर आप वर्ड नहीं लगाओगे, अगर आप फिल्म्ड लिख देते ओल्ड मूवीज फिल्म तो ओल्ड मूवीज ने फिल्माया था, मतलब ओल्ड मूवीज फिल्म बना रही है ये हो जाता, तो बिल्कुल गलत सेंस निकल आता, इसलिए इसको पैसिव में लिखा गया, ओल्ड मूवीज वर फिल्म, ओल्ड मूवीज को फिल्माया गया था ब्लैक एंड व्हाइट में। समझ में आया पुष्प्रीत? तिलक एट एक्सप्लेन कर दो, द नेम्स ऑफ द विनर्स विल बी प्रिंटेड, विनर्स के नाम प्रिंटेड होंगे कल के न्यूज़पेपर में, जो विनर्स के नाम है वो प्रिंटेड होंगे कल के न्यूज़पेपर में। अगर तुम यहाँ पे सोचो तुम ये लिख दो, द नेम्स ऑफ विनर्स विल प्रिंट, ठीक है, तो नेम्स ऑफ विनर्स जो है वो प्रिंट करेंगे, गलत होगा ना डियर, ध्यान से सुनना तिलक, अगर विल बी प्रिंटेड ना लिख के हम ये लिखते हैं द नेम्स ऑफ द विनर्स विल प्रिंट, तो यह हो जाता कि विनर्स के नेम प्रिंट करेंगे, ये थोड़ी यहाँ लिखना है, हमें लिखना है नेम जो विनर्स के नाम है वो प्रिंट किए जाएंगे, तो विल बी प्रिंटेड, द नेम्स ऑफ द विनर्स विल बी प्रिंटेड, विल बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए इसको क्या बोला गया, पैसिव बोला गया। समझ में आ गई ये बात सार्थक? हाँ जी सिंपल पास्ट टेंस है, फिफ्थ वाला जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है। रेनू इलेवेंथ एक्सप्लेन कर दो, हॉलीवुड वॉज बिल्ड, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हॉलीवुड को बनाया गया था, राइट right, अगर हम लिखते हैं हॉलीवुड बिल्ड तो इसका मतलब होता हॉलीवुड ने बनाया था, हॉलीवुड ने तोड़िया बनाया था, हॉलीवुड को बनाया गया था इसलिए लिखा है हॉलीवुड वॉज बिल्ड, क्लियर है? पुष्पीत फिफ्थ का एक्टिव क्या होगा, डियर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कहाँ से हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, और अभी हमें कन्वर्ट नहीं करना है, हमें तो पहचानना है, इस एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि हमें पहचानना था। रेनू इलेवेंथ एक्सप्लेन कर दो, इलेवेंथ मैंने बता दिया, ठीक है क्लियर है? पुष्पीत एक्टिव पैसिव में अभी हमें कन्वर्ट नहीं करना था, अभी बस हमें रिकॉग्नाइज करना था, राइट अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस हैं, राइट अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पे। हर्षित डियर उसमें हमें एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना था डियर, उस हिसाब से है ही नहीं एक्सरसाइज। हाँ जी नाइन्थ का हो सकता है, द एक्ट्रेस थैंक ऑल द पीपल, ऑल द, अब नाइन्थ का हो सकता है, नाइन्थ का पैसिव हो सकता है, नाइन्थ का पैसिव क्या होगा, ऑल द पीपल वर थैंक्ड,
ऑल द पीपल वर थैंक्ड बाय द एक्ट्रेस, हो सकता है नाइन्थ का पैसिव हो जाएगा, नाइन्थ का पैसिव हो जाएगा हर्षित। नहीं डियर पुष्प्रीत, ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट फिफ्थ में फिफ्थ है ना, हाँ जी फिफ्थ में ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं फिफ्थ में ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट नहीं है पुष्पी, राइट। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो, तो पहली बात तो हमारे सारे सेंटेंसेस किसके हैं, पैसिव वॉइस के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को हमें भरना है, राइट, और किस टेंस में भरना है ये हमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है गिव, ठीक है, तो द बेस्ट एक्टर इज गिवन एन ऑस्कर, द बेस्ट एक्टर इज गिवन एन ऑस्कर, राइट। अब आपको दिया है, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फर्स्ट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तिलक ने सही दिया, अदिति ने सही दिया है, ठीक है। पुष्पीत व्हाट्सएप पे पूछना डियर, आगे करवा रही हूं मैं। द अवार्ड सेरेमनी सेरेमनी के साथ क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट है, इज आएगा, इज अ सीन, राइट, इज अ सीन, अनन्या बिल्कुल सही आपने बोला है, ठीक है, इज सीन बाय मिलियन ऑफ पीपल्स। अब आगे बोल रहे हैं फ्यूचर में रखना है, वर्ड क्या रखना है, चूज रखना है, विच एक्टर विल बी चूजन, विल बी चूजन, राइट, will be chosen, ठीक है, will be chosen, second वाला क्या होगा, which actor will be chosen, right, बिल्कुल first वाला आप सही बता रहे हैं, scene होगा, ठीक है, number लिख दीजिएगा सबके साथ। शगुन बिल्कुल सही कह रहे हो, will be chosen, right, third one बिल्कुल सब लोग सही कह रहे हो। यहाँ पे model verb दिया हुआ है, can और see का use करना है, तो द मूवी कैन बी सीन एट मैनी थिएटर, राइट, क्लियर है। फोर्थ वन पे आ जाओ, मैनी मूवीज कैन बी सीन होगा, कुड बी सीन नहीं होगा, कैन बी सीन, द मूवी कैन बी सीन, राइट, मैनी मूवीज है और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैनी मूवीज है तो हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, राइट, हैज लगेगा, हैव लगेगा, मैं और प्रेजेंट परफेक्ट है और पैसिव में लिखना है तो हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, मैनी मूवीज हैव बीन मेड अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, मैनी मूवीज हैव बीन मेड अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्लियर, कोई दिक्कत। अब सिंपल पास्ट टेंस है, फिफ्थ में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो केट विंसलेट नेम है, केट विंसलेट नेम है, वॉज गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 2009, केट विंसलेट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था 2009 में, ठीक है, वॉज गिवन, राइट। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लग जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, वॉज गिवन, बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अ गुड मूवी है, गुड मूवी के साथ क्या लगाओगे, इज बीइंग, क्योंकि पैसिव में बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इज बीइंग शोन, अ गुड मूवी इज बीइंग शोन एट अ थिएटर नियर माय हाउस, एट अ थिएटर नियर माय हाउस, एक अच्छी मूवी थिएटर में मेरे घर के पास दिखाई जा रही है, इज बीइंग शोइंग नहीं होगा तिलक, याद करो मैंने बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इज बीइंग शोन, राइट। निशा, निशा क्या पूछ रहे बेटा,
निशा आपका डाउट ऊपर चला गया है, डियर सेकंड में फ्यूचर टेंस है, सेकंड में फ्यूचर है इसलिए विल बी लगाया है, और थर्ड में मॉडल है, मॉडल वर्ब है आपका, राइट मॉडल वर्ब है थर्ड में, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं होता, मॉडल वर्ब है। डियर कुड, अगर आप मॉडल वर्ब को पास्ट में यूज करो, वैसे कुड भी आ सकता था लेकिन यहाँ कैन ज्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट कैन बोला गया और सी बोला गया, कैन बी सीन बिल्कुल सही है, द मूवी कैन बी सीन, जब आपको स्पेशली बोला ही नहीं गया है कि उसको पास्ट में करना है तो आप कुड लगा के क्या करोगे, कैन से काम चला लो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए अगर डायरेक्ट दिया हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट आओ, स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स सिंपल पास्ट है, तो स्टार वॉर्स मूवी है, क्या लगेगा, वॉज नेम है, वॉज मेड, वॉज मेड, ओके तिलक भी भेज दूंगी, द मूवी प्रेजेंट परफेक्ट है, द मूवी हैज बीन शोन, हैज बीन शोन, राइट। अब फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब दिया है गिव, ओवर 2000 एकेडमी अवार्ड्स, अवार्ड्स है, अवार्ड्स है, ठीक है, कई सारे अवार्ड्स है, और प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन आउट, हैव बीन गिवन आउट, राइट। टेन, सिंपल पास्ट और गिव लगाना है, इन 1929 ओनली वन अवार्ड वॉज गिवन टू अ वुमेन, एक्सक्यूज मी, हाँ, टेन नंबर लिख दो, वॉज गिवन होगा। इलेवन, अब यहां पे ध्यान से देखना, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है और इंट्रोगेटिव है, तो वेन वॉज साउंड एडेड टू मूवीज, इट वॉज एडेड इन 1927, इट वॉज एडेड इन 1927, क्योंकि इंट्रोगेटिव हो गया था इसलिए वॉज आगे आ गया, और वॉज आगे आता है तो वर्ब आपका चेंज नहीं होता है इलेवेंथ में, राइट। ट्वेल्थ देखो, मूवीज ऑफन, क्योंकि ऑफन वर्ड भी दिया है और सिंपल प्रेजेंट दिया है, मूवीज ऑफन आर मेड, मूवीज ऑफन आर मेड इन हॉलीवुड। सेकंड, शिवम लास्ट स्लाइड की बात कर रहे हो क्या, राइट। ट्वेल्थ आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, हाउ मैनी मूवीज प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। तो हैव आएगा, कई सारी मूवीज हैव आएगा, हैव बीन फिल्म्ड, फिल्म्ड, हाउ मैनी मूवीज हैव बीन फिल्म्ड इन ब्लैक एंड वाइट, राइट, हैव बीन फिल्म्ड इन ब्लैक एंड वाइट, क्लियर है।